खाएंगे, मजा आएगा। दोस्तों 40 मिनट्स रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा 2 मिनट जैसे रेस्ट करके, 2-5 मिनट, फिर उसके बाद फिर और एक्सरसाइज वगैरह करना है। और दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे इस नए ब्लॉग में। कैसे आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। सुबह हो चुकी है, सुप्रभात। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, ग्राउंड जा रहे हैं। थोड़ा देर से ही ग्राउंड जाती हूँ क्योंकि ग्राउंड में काफ़ी भीड़ रहता है, और अभी जाने से थोड़ा सब लोग गए हुए रहते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते रहता बहुत कोई वहाँ पे। खाएंगे, मजा आएगा। जा रही हूँ, पता है मेरे साथ जाता है हर रोज ही, अब आज नहीं जा रहा है मेरे साथ। बोलता नहीं, हम नहीं जाएंगे आज। अब ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। गलत उधर है, देखिए लोग वर्कआउट करके जा रहा है घर। ये मेरा साइकिल है। सब भाग चुका है यहाँ से क्योंकि सब भोरे भोरे आता बहुत जल्दी, अंधेरा अंधेरा में ही, और फुटबॉल खेलता है यहाँ और वो लोग चले जाता है, उसके बाद मेरा एंट्री होता है। वैसे भी आज थोड़ा सा बहुत लेट हुआ मेरा, नहीं तो और थोड़ा जल्दी पहुंचती हूँ मैं। अब साइकिल खड़ा करना है, स्टैंड करके फिर उसके बाद शुरू करनी है वर्कआउट ना। मैंने अपना साइकिल स्टैंड कर दिया, वाटर बोतल निकालना है यहाँ से। दोस्तों 40 मिनट्स रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा 2 मिनट जैसे रेस्ट करके, 2-5 मिनट, फिर उसके बाद फिर और एक्सरसाइज वगैरह करना है। 40 मिनट थक गई हूँ काफ़ी। अब ग्राउंड से निकल के घर जा रही हूँ, वर्कआउट सारा कंप्लीट हो चुका है, धूप भी निकल चुकी है काफ़ी। ये रास्ता है, इसी रास्ता होते हुए ग्राउंड जाना पड़ता है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ प्रोग्राम में, तो यहाँ पे सीनी है, यहाँ जितना महिला समूह है सब लोग पहुँच चुकी है, या दीदी लोग सब है। यहाँ जितना है लगभग यहाँ 4-5 महिला समूह के दीदी लोग हैं, तो हम लोग सब यहाँ पर आए थे, सब अलग अलग गांव से आई है। तो इन लोगों से मिल के काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इन्हें मोटिवेट करूँगी, लेकिन इन लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में आई थी कि इन लोगों को देख के मैं और ज़्यादा मैं मोटिवेट हो चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है इसमें कि चलिए ये लोग सब साथ में, और इन लोग ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। इन्होंने कहा कि आप लोग, आपके साथ हम लोग हमेशा हैं और आपके साथ रहेंगे, और हम लोग भी अब निकलेंगे और अपना अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे ज़रूर। तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है जब इतने दीदी लोग को साथ में देखते हैं तो बहुत है। और कुछ कुछ अभी घर भी चले गई है, और अभी बच्चों का ट्यूशन का समय हो रहा है, तो अपना बच्चा को ट्यूशन भेजेंगी वो लोग, इसलिए वो लोग चली गई है। दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूं प्रोग्राम से, और सोची थी कि जल्दी आ पाऊंगी, लेकिन आज जल्दी नहीं आ पाई, तो काफ़ी देर हो चुका, अब अंधेरा हो चुका है। ये देखिए हमारी रूपाली।